नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चुनवी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी वातावरण कॉन्फ्रेंस दौरान कुदरत का संतुलन बनाए रखने का सद्दा दिता। आकाशवाणी भवन विखे करवाए गए समागम दौरान प्रधानमंत्री के चुनवे भाषणों का संग्रह रिलीज किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क विच जी फोर मुल्कां दे विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत ते ऑस्ट्रेलिया विचाले लड़ी का दूजा T20 मैच आज नागपुर विच खेडिया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदरत दा संतुलन बनाई रखने का सद्दा दिता है। गुजरात के एकता नगर विच सूबियां दे वातावरण मंत्रियों की कौमी कॉन्फ्रेंस नूं वर्चुअल माध्यम राही संबोधन करदिया प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्कुलर इकोनमी भारत का एक हिस्सा रही है और मौजूदा समय देश की तेजी नाल वधदे अर्थचारे नाल वातावरण प्रणाली भी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि नवा भारत नवी सोच और नवी पहुंच नाल अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले 25 साल लई नवे टीचे मिथ रहा है। वातावरण सम्मेलन की महत्ता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अजिहे सम्मेलन वातावरण संभाल के खेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नवियाणयुग ऊर्जा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और अज के समय में दुनिया भारत नाल जुड़ भी रही है। संबोधन में प्रधानमंत्री ने जल संभाल की लोड़ पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कुदरत की सांभ संभाल में वातावरण मंत्रालय के योगदान की शलाघा की। उन्होंने देश में इथनॉल ब्लेंडिंग दे कीर्तिमान का जिक्र करते हैं कहा कि हुण देश ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर फोकस कर रहा है। दुनिया को दिखाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हमारी स्पीड और हमारा स्केल शायद ही कोई उसको मैच कर सकता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर लाइफ मूवमेंट, बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। अपने कमिटमेंट को पूरा करने के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण ही दुनिया आज भारत के साथ जुड़ भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी भाषण का संग्रह नवी दिल्ली के आकाशवाणी भवन विखे करवाए गए एक समागम दौरान रिलीज किया गया। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स दे सिरलेख हेठ पुस्तक नू साबका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल दे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अते सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वलों रिलीज किया गया। इस मौके समागम नू संबोधन करते हुए साबका उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे देश दे विकास लई विजन ते चानना पाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरे समर्पण नाल देश सेवा विच लगे हुए ने। And breaking the mic is not going to inspire the people. That's not good. As I told you, the world is once again looking to India. We must strengthen our democratic institutions. We must also prove that we are the best parliamentary democracy. And we must see to it that everybody is given their due. Everybody is given their due. And we should all feel that we are Indians first. Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. Alag bhasha, alag vesh, phir bhi apna ek desh. Vividhata mein ekata, Bharat ka visheshata. This has to be kept in mind by one and all. And we should all work together. I am sure, going by these speeches. सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने समागम नू संबोधन करदिया कहा कि प्रधानमंत्री दे भाषणा दी एह पुस्तक भविख दे इतिहासकारां ते बुद्धिजीवियां वलों विकास दे दृष्टिकोण नू समझण लई वरती जावेगी। उन्होंने कहा कि एह पुस्तक प्रधानमंत्री दे न्यू इंडिया दे विजन नू दर्शाउंदी है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा विच भाग लैण लई अमरीका दे दौरे ते गए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क विच जी फोर मुल्कां दे विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की।
इस मीटिंग विच ब्राजील दे विदेश मंत्री कार्लोस फ्रांका, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हायासी अते जर्मन दे विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक ने भाग लिया। जी फोर मुल्कां दे विदेश मंत्रियों की बैठक दौरान सुधरे हुए बहुपक्षीवाद लई गलबात अगे वधाउण ते सहमति जताई गई। इसे दौरान विदेश मंत्री ने ब्रिक्स मुल्कां दे हमरुतबावां दी मीटिंग विच भाग लिया। इस मीटिंग दौरान संयुक्त राष्ट्र दे एजेंडे विच शामिल कीते गए प्रमुख आलमी अते खेतरी मुद्दे ते चर्चा कीती गई। इस दौरान सारे आगुआं ने अतवाद प्रति दोहरा रवैया अपनाउण वाले मुल्कां दी निखेधी कीती। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड 19 महामारी दौरान देश की सेहत प्रणाली की मजबूती देखने को मिली है। सूबे अते केंद्र शासित प्रदेशों की इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की मीटिंग दौरान सेहत मंत्री ने कहा कि भारत न सिर्फ महामारी नाल नजिठण विच सफलता हासिल कर रहा है बल्कि वैक्सीन मैत्री तहत दूजे मुल्कां नूं भी टीके अते दवाईयां उपलब्ध करवा के उन्हां दी मदद कीती जा रही है। सेहत मंत्री ने रेड क्रॉस सोसायटी वल्लों कीते गए विलखण कम्मां दी शलाघा कीती। मनुखता की सेवा विच रेड क्रॉस सोसायटी दी यत्ना दा जिक्र करदिआं सेहत मंत्री ने कहा है कि इस दा उद्देश हंगामे हालात अते लोड़ समय मनुखता दी मदद करना है। डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सेवा ते सहयोग भारत दी रवायत रही है। भारतीय जनता पार्टी के आगू डॉ राजकुमार वेरका ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बचाउण लई विधानसभा का सहारा लै रही है। अमृतसर विच सेवा पंद्रवाड़े तहत करवाए गए एक समागम दौरान पत्रकारां नाल गलबात करदिआं डॉ वेरका ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सूबा सरकार नूं कानून बारे टुकवी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप नूं विधानसभा का सहारा लैण की बजाय पार्टी पद्धर दे अपने विधानकारां नाल बैठक करनी चाहीदी है। डॉ वेरका ने कहा कि आम आदमी पार्टी गुजरात ते हिमाचल विच सरकार बनाउण की इच्छा रखती है पर पहला उन्हां नूं पंजाब विच सही ढंग नाल प्रशासन चलाउणा सीखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिहाड़े तो लैके महात्मा गांधी जी जन्म दिहाड़े तक पूरे देश के विच भारतीय जनता पार्टी पंद्रवाड़ा पखवाड़ा मना रही है। उस कड़ी के अज डी ए वी कॉलेज फॉर वूमेन के अंदर एक वाटर सेविंग के उपर पानी की बचत के संबंध के अंदर एक सैमीनार का आयोजन किया जा रहा है और जो संबंध मैं आया और ये सेवा पंद्रवाड़ा दे रूप दे विच पूरे देश दे विच मनाया जा रहा है और मैं महसूस करदा है कि इहदे नाल जिथे पार्टी दे लोगां नूं सेवा दे विच जुड़न दा जिहड़ा है वह एक मौका मिलेगा। पंजाब दे समाजिक सुरक्षा ते बाल विकास मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कहा कि सूबे दे बजुर्ग नागरिक अपनियां समस्यावां दे हल लई विभाग दे टोल फ्री नंबर राहीं अधिकारियां नाल राबता कर सकते ने। चंडीगढ़ तो जारी एक बयान विच डॉ बलजीत कौर ने कहा कि बजुर्गां नूं जिंदगी विच कई तरह दीआं मुश्किलां ते परेशानियां दा सामना करना पैंदा है जिस दे हल लई महकमे वल्लों टोल फ्री नंबर 14567 स्थापित कीता गया है। उन्होंने दस्सिया कि बजुर्ग नागरिक पेंशन संबंधी कानूनी मदद दुर्व्यवहार होण ते सेहत अते कोविड संबंधी देखभाल अते बचाव लई इस नंबर ते फोन करके लोड़ींदी सहायता प्राप्त कर सकते ने। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार बुजुर्ग नागरिकां नूं खुशहाल ते सेहतमंद रखण लई टुकवियां सेवावां मुहैया कराउण लई वचनबद्ध है। सेहत महकमे दीआं टीमां वल्लों बीते दिन एसएएस नगर जिले विच डेंगू दी रोकथाम लई चलाई गई मुहिम तहत 1739 चलान कीते गए। मोहाली दे सिविल सर्जन डॉ आदर्शपाल कौर ने दस्सिया कि हुण तक जिले विच 265,663 घरां अते होरनां थावां दा सर्वेखण कीता गया है जिन्हां विचों 9,786 घरां च डेंगू फैलाउण वाले मच्छर दा लार्वा मिलिया है। महकमे दीआं टीमां ने इन्हां घरां विच रहण वाले लोकां नूं साफ सफाई रखण दी हदायत कीती। सिविल सर्जन ने इस मुहिम विच लोकां नूं सहयोग करन दी अपील कीती तां जो डेंगू तों बचा कीता जा सके। भारत ते आस्ट्रेलिया विचाले लड़ीदार दूजा टी20 मैच अज नागपुर विच खेडिया जाएगा। तीन मैचों की लड़ी विच आस्ट्रेलिया पहला मैच जीत के 1-0 दी अगेत ना हासिल कर चुका है जबकि भारतीय टीम अज दा मैच जीत के लड़ी नूं 1-1 दी बराबरी दे लियाउण दी कोशिश करेगी। यह मैच शाम 7:30 नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम विच खेडिया जाएगा। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकते ने। ते हुण बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी वातावरण कॉन्फ्रेंस दौरान कुदरत दा संतुलन बनाई रखण दा सद्दा दित्ता।
आकाशवाणी भवन विखे करवाए गए समागम दौरान प्रधानमंत्री दे चोणवे भाषण दा संग्रह रिलीज किया गया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क विच G4 मुल्कां दे विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। भारत अते ऑस्ट्रेलिया विचाले लड़ी का दूजा T20 मैच आज नागपुर विच खेडिया जाएगा। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।